शताब्दी की शुरुआत में एक संत हुए यूरोप में जिनका नाम था वैलेंटाइन। ये हुए रोम में और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस, बड़ा क्रूर आतंकी। उसकी क्रूरता और आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े। तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भाई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं जिसमें स्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है, पत्नी का दर्जा उसको देना मूर्खता है। उसी क्लॉडियस के राज्य में ये वैलेंटाइन हो गए जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो, शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ। साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना, एक स्त्री के साथ रहना कितना सुखद होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उसमें बीमारियां कम होती हैं, वेनेरल डिसीजेस बहुत कम होते हैं। ये सब उन्होंने पढ़ लिया। और ये भारत का साहित्य उनको मिला कैसे? ये मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका। पांचवी शताब्दी की शुरुआत में और चौथी शताब्दी के अंत में वैलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया, उसका उन्होंने अध्ययन कर लिया। अध्ययन करके पता चला कि भारत की परिवार व्यवस्था कुछ इस तरह की है, तो उन्होंने भरपूर प्रचार किया पूरे रोम में घूम घूम कर कि शादी करो, शादी के बाद रहो। तो वैलेंटाइन मशहूर हो गए रोम में शादी कराने के लिए। तो वो क्या करते थे? व्याख्यान देते थे, गांव गांव जाते और लोगों को समझाते थे शादी करने के क्या फायदे और शादी करने के बाद शारीरिक संबंध रखने के क्या फायदे, वो सब समझाया करते थे। क्लॉडियस जो था उनसे चिढ़ता था हमेशा। क्लॉडियस ये कहता था कि हमारी जो महान परंपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की, उसका ये नाश करने में लगे हुए। बहुत ज्यादा गुस्सा जब आया क्लॉडियस को, तो क्लॉडियस ने क्या किया, वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था, राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून माने जाते थे। तो क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या कि जिन लोगों की शादियां कराई थी वैलेंटाइन ने, वो सब दुखी हो गए और वो सब इकट्ठे हुए। और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं, सन 1950 तक फांसी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी। दंड जो है ना फांसी जैसा, वो सबके सामने दिया जाता था। तो क्लॉडियस ने जानबूझकर क्या किया कि जिनकी शादियां करा दी थी वैलेंटाइन ने, वैलेंटाइन वैसे चर्च में पादरी थे तो वो क्या करते थे, चर्च में लाके शादियां कराते थे बच्चों की। तो जिनकी शादियां कराई थी क्लॉडियस ने, उन सबको इकट्ठा करके उनके सामने क्लॉडियस के अधिकारियों ने वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया। तो उनके जो चेले चपाटे थे वैलेंटाइन के, वो सब बहुत दुखी हुए। तो उनके दुखद याद में 14 फरवरी 498 से उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। माने वैलेंटाइन एक ऐसे व्यक्ति जो शादियां कराते फिरते थे, उनको चूंकि राजा ने फांसी की सजा दे दी, तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है।